वीडियो की शुरुआत रिच पियाना के लाइन से मैं करना चाहता हूँ। रिच पियाना ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि निर्णय का दिन होता है, कोई फैसले का दिन आता है। फैसले का दिन आज है, निर्णय का दिन आज है, तो आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। इसी लाइन से मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सब्र आपने बनाया और आप मुझे छोड़ के नहीं गए मेरे चैनल पर। आपने बहुत सारे कॉमेंट्स किए, पर्सनली आपने मुझे मैसेज किए कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो इन 2-3 हफ्तों में रोटरी की यात्रा जो चली थी, उसके बाद से शायद मैंने फेस कैम वीडियो नहीं किया। जब मैंने गांव में जाके पब्लिक के बीच वो वीडियो किया था, उस वक्त भी इतने हावी नहीं था शायद कोरोना वायरस, लेकिन अभी जिस पीक पे, मुहाने पे, जिस डेंजरस वाली सिचुएशन एकदम खड़ी हो गई है, तो कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलिए एक 1-on-1 करते हैं, फेस टू फेस करते हैं और आपसे बात करते हैं। मैं जहाँ भी जैसे भी हूँ एकदम वेल हूँ, फाइन हूँ, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। ऐसा कुछ भी कोई भी बात नहीं है, बस किसी चीज़ को लेकर के दौड़ भाग ज़्यादा हो गई है, इस वजह से अब वीडियोस मैं आपके सामने नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप बने रहिएगा और आगे की जानकारी देख लीजिए। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी वेटिंग चल रही है। आप फोकस टू इंडिया व्हिच इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ हाईली कंटेजियस एंड लीथल सेकंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस केसेस। द हेल्थ मिनिस्ट्री रिवील दैट अ न्यू डबल म्यूटेंट। गंगा मैया का बेटा अपने आप को गुजरात का बेटा, अपने आप को देश का बेटा, अपने आप को माँ भारती का बेटा, वो माँ भारती का बेटा कहाँ है? हजारों लोगों को मरता हुआ छोड़ के, देश को मरता हुआ छोड़ के बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। देखिए हालात बहुत गंभीर, बहुत ख़राब, और सरकारें इतनी नाकारा कि अगर मैं कुछ ना ही बोलूं तो बहुत बेहतर होगा। सेकंड वेव के, बेहद ख़तरनाक वेव के मुहाने पे हम खड़े हैं। पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए और पहली बार मेरे चैनल के साथ ऐसा हुआ कि कहीं वीडियोस अलाउड नहीं किए गए। मुझे साफ मना किया गया कि अभी सिचुएशन बहुत क्रूशियल है, अभी मीडिया वालों को या किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा, कि अभी सिचुएशन बहुत क्रूशियल है, आप मत आओ। शायद इसलिए कि हम लोग कुछ दिखा करके, कुछ बढ़ा चढ़ा के ना दिखा दे अपने चैनल्स पे। देश के गृह मंत्री, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित करने में लगे हुए हैं। बंगाल का इलेक्शन जो है, सभी स्टेट्स ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और किसी ने सही कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को इस हालत में छोड़ के बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। आपको और न्यूज चैनल की तरह मैं डराने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है मुझे डराना, लेकिन जो नहीं बताना चाहता था वो आपको बता देता हूँ कि अस्पताल में बिस्तर नहीं है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो सूख रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं हो रही है, एम्बुलेंस के सायरन लगातार बज रहे हैं अस्पताल के बाहर, शव उठाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ह्यूमैनिटी और ह्यूमन नेचर, बिहेवियर जैसे शब्द खोखले पड़ गए हैं। 12 अप्रैल को आप सभी को पता है बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए सेकंड नंबर में कोविड-19 के केस में हम आ चुके हैं, सेकंड नंबर पे इंडिया आ चुका है। क्योंकि शायद जब लॉकडाउन लगाना था तो लॉकडाउन किसी ने नहीं लगाया, अभी भी लॉकडाउन नहीं लगा है, और चिंता वाली स्थिति तो है ही। तक रही बात मेरे चैनल पे वीडियो ना आ पाने की, तो उसका बहुत खेद रहेगा मुझे कि मैं 3 हफ्ते से लगातार आपसे फेस कैम वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। लगातार यात्रा किया, पब्लिक के बीच में भी गया, एडिशनल एसएसपी से बात की, ये वीडियो जो था वो आपने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक वीडियो मुझे करना चाहिए कि हाँ क्या हुआ। क्योंकि ऐसे लोग सोचते हैं कि अचानक गायब हो गया, क्योंकि 4 साल में 4.5 साल के इस यूट्यूब करियर में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 हफ्ते तक आपको फेस कैम वीडियो नहीं दिया, तो मुझे लगा कि शायद मुझे देना चाहिए था। तो आज मैं सिर्फ आया था आपको यही बताने कि नेक्स्ट वीक से वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मैं दूंगा, लेकिन कुछ आंकड़े मैंने निकाले थे, ये बहुत सारे आंकड़े मैंने निकाले थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं देता हूँ चैनल पे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फेक न्यूज़ से आप दूर रहिए, जो फर्जी न्यूज़ टीवी पे दिखा रहे हैं, इतनी मौतें हैं, उतनी मौतें, उससे दूर रहिए। मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, अच्छी न्यूज़ देखिए, जो चैनल आपको सच्ची न्यूज़ देते हैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेगा फैक्स देखते रहिए, मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, मैंने 400 से ज़्यादा वीडियोस कर रखे हैं चैनल पे, तो जब तक कि मैं नहीं आता हूँ वीडियो लेकर के, लेकिन एक आने वाले हफ्तों में मैं ज़रूर वीडियोस लेके आऊँगा। और जाते जाते एक ही बात मैं आपसे कहूँगा, यू कांट ऑलवेज़ हैव अ गुड डे बट यू कैन ऑलवेज़ फेस अ बैड डे विथ अ गुड एटीट्यूड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।